श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद दसवें अध्याय के 19वें श्लोक में आता है, यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशंता समदर्शिनाः साधवा समुदाचरास्ते पुण्यन्पि की कटा। जहां जहां मेरे शांत समदर्शी सुख से सदाचार से जीने वाले प्रेमी भक्त हैं, निवास करते हैं, वह स्थान चाहे किकट ही क्यों ना हो, वह स्थान पवित्र हो जाता है। गुरु मंत्र मिल गया, भगवान की प्रीति मिल गई, आप जहां रहोगे वो भूमि तीर्थ है। बस भगवान के नाम में इतनी शक्ति, अद्भुत शक्ति। अंगिरा ऋषि कहते कि भगवान का नाम का आश्रय लो, भगवान के रूप को निहारते निहारते और रूपों की आसक्ति हटा दो, भगवान की विभूति का दर्शन करो। पानी ये भगवान की संपदा है, और अंगूर का रस ये भगवान का वैभव है, घास ये संपदा है, और गाय का दूध ये वैभव है। अन्न तुम्हारी थाली में है ये संपत्ति है, लेकिन अन्न में से खून बनता है, मन बनता है, बुद्धि बनती है, ये तुम्हारे आत्मा के वैभव का स्मरण करो। सर्वत्र भगवान की शक्ति का चिंतन करो, भगवान के गुणों का गान करो, परमात्मा भाव की भावना करो और स्वरूप में विश्रांति पाओ। ये सात साधनों से आपका तो मंगल होगा, आपके कुल का भी बेड़ा पार हो जाएगा। अंगिरा ऋषि ने सात आश्रय बताए। एक तो भगवान के नाम का आश्रय, दूसरा भगवान के रूप का आश्रय, तीसरा विभूति दर्शन, चौथा सर्वत्र भगवान की शक्ति का चिंतन, पांचवा भगवान के गुण का दर्शन, छठा भगवत भाव बढ़ाओ, और सातवा सोहम स्वरूप में विश्रांति। बस आप पूर्ण पूर्ण हो गए। आप सब योगियों के योगी, सब भक्तों के भक्त के ऊंचे पद पर पहुंच गए। जब इस प्रकार शांत बैठ जाओ घर में, तो फिर आपाधापी के विचार आए तो थोड़ी देर छोड़ दो। अटरम सटरम स्वाहा, इगड़म तिगड़म स्वाहा, मंतुराम बज, शांति, ओम शांति, ओम ओम ओम। अपने घर या अपने मोहल्ले के पश्चिम के तरफ पीपल का पेड़ बो दो। पीपल की हवा 2400 घंटा शीतल और ऑक्सीजन बरसाती है। विदेशी नगर अध्यक्ष आए थे और उसने इंदौर के नगर अध्यक्ष को बताया कि हिंदुस्तान में से हम 1400 पीपल के पौधे ले गए और अपने राज्य में लगाए। अभी विज्ञान की दृष्टि से पीपल की महिमा वहां के लोग जान रहे, लेकिन तुम्हारे धार्मिक दृष्टि से तो करोड़ों वर्ष पहले पीपल की पूजा होती है। पीपल को फेरे फेरना और स्पर्श करने से बुद्धि का बोंदूपना चला जाता है। पीपल की सचमुच में जो पीपल गिर जाता है, उसकी लकड़ी से बने हुए गिलास में पानी रख दो थोड़ी देर, बाद में बच्चे को पिलाओ तो उसकी याद शक्ति और बुद्धि शक्ति का विकास होता है। दम्मे की गैस सिलेंडर लेकर घूमते रहते, दम्मे की बीमारी नहीं मिटती। पीपल के पत्ते छाया में सुखा दो, कूट के पाउडर बना दो, 6 ग्राम शाम को सुबह और 5-6 ग्राम शाम को, आधा तोला सुबह आधा तोला शाम को, शहद के साथ लो। 1 महीने में दम्मे का दम निकाल दे। पीपल के पत्ते बारीक कूटो और कपड़ छान कर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर प्राणायाम कर और सेव फल खाए तो हार्ट मजबूत हो जाता है। पीपल के पेड़ के थड़ को अपनी उंगलियों का स्पर्श करा। पीपल बड़ और तुलसी की हवा तो ऑक्सीजन देती है और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। आज ये बबुल के कंठ के लिए और
नीलगिरी के पेड़ लगा रहे हम लोग। विदेशी बड़ी हरामखोरी करते हैं, भारत के नेताओं को पटा देते कि नीलगिरी वही है, बिना पानी के हो जाती है। अरे पानी चूस लेती और नीलगिरी की हवा से टीबी पैदा होती। नीलगिरी के पेड़ कटकर जिस फैक्ट्री में जाते और तेल निकलता, उस फैक्ट्री के मुलाजिम 5 साल से ज्यादा स्वस्थ नहीं रह सकते, उनको टीबी पकड़ लेती है। कोर्ट ने फैसला दिया उनके फेवर का, कंपनी वालों पर कोर्ट ने आदेश दिया कि ये टीबी तुम्हारे नीलगिरी के कारण होती है, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। नीलगिरी के पेड़ और अंग्रेजी बबुल के पेड़, ये तो अपशुकन है। पीपल के पेड़ हो, नीम के पेड़ हो, और भी कई आंवले के पेड़ हो, आपके राजस्थान में आंवले अच्छे होते हैं। आंवले के पेड़ का दर्शन एक गाउदान का फल करता देता है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना 2 गौदान का फल देता है। ऐसे ही आप रोज सुवर्ण दान करो। कलयुग में दान की बड़ी भारी महिमा है, रोज थोड़ा सोना दान करना चाहिए। सुवर्ण नगरी है आपकी, सूर्य नगरी है, रोज थोड़ा दान करो सोना। अरे बाबा जी खाने को तो वो महंगाई लगी है, सोना दान कैसे करें? आपके घर में तुलसी का पौधा लगा दो और सुबह तुलसी माता का दर्शन करना, 1.25 मासा सुवर्ण दान का फल देता है। बस तुलसी का दर्शन, सुवर्ण दान का फल। दाडी री दाडी बाबा रो बाबा, घर में ऑक्सीजन फूल आवे न, सुबह सुबह तुलसी रो दर्शन, सुवर्ण दान रो फल देवे। दाडी री दाडी बाबा रा बाबा, थारा बाप रो जाए काहे भाया, बेनुड़ी थारा घर रो जाए काहे। ऐसी ऐसी बातें आती है क्या? सफेद गाय का सफेद बछड़ा, उसका दूध उसकी खीर बना ली, और ओमकार की 120 माला कर दी उस खीर में, देखते सूर्य नारायण को भोग लगा दिया। 4 सप्ताह तक ये करो, 7 जन्मों की दरिद्रता चली जाएगी और 7 जन्मों तक आपके कुल खानदान में दरिद्रता का द नहीं होगा। कैसे कैसे अनुभव है शास्त्र, ये बोधायन ऋषि का वचन है। मैं छोटा था 10-11 साल का, तो क्या करता था कि रात्रि का भोजन आता, खिचड़ी और दाल कड़ी जो कुछ, रात्रि का हल्का भोजन होना चाहिए और 9 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए। जो देर से भोजन करते सिंधी साई और धौरो दुध 11 बजे 10 बजे खाते ने, वो फिर मोटे मोटे बेचारे होते। मायूं बुद्ध जनता मुयू पयू बेचारे, जो देर से भोजन करते उनका स्वास्थ्य उनका दुश्मन हो जाता है। रात को 9 के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, कभी दुर्भाग्य से करना हो तो फिर बहुत थोड़ा चबा चबा के हल्का फुल्का। जो जो रात देर होती है त्यों त्यों जठरा मंद होती है, और मंदाग्नि में भोजन पचता नहीं, फिर उसके रोग बनते। दिन को भोजन करके 8 श्वास ले इतनी देर सीधा, 16 श्वास ले उतना दाहिनी ओर, और 32 श्वास ले उतना बाहिनी ओर लेट रहे, बस तो भोजन अच्छा पचेगा। लेकिन भोजन करके जो खुर्राटे लेते हैं वो आपको बीमार मिलेंगे, थके हुए मिलेंगे, और रात की नींद अच्छी नहीं आएगी उनको, पक्की बात। और खाना ठीक से पचेगा नहीं, छाती जलन एसिडिटी की शिकायत हो जाएगी। कैसा है गीता का ज्ञान? तुम्हारे स्वास्थ्य की बात भी गीता करे बिना नहीं रहती। बोले बापूजी गीता में लिखा हुआ है क्या स्वास्थ्य की बात? हाँ, युक्ताहार विहारस्य, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन प्रसन्न रहे, कहीं फंसे नहीं, न सुख में फंसे, न दुख में फंसे, न मित्र में फंसे, न शत्रु में फंसे। आया गया भूल जा, शत्रु को याद करके पच मत, मित्र को याद करके ममता में गिर मत। आए गए सड़क से कई ट्रैफिक आती जाती हो गया, तो जो रहा है उसके मौज में मस्त रहो। बस इतना ही सा तो ज्ञान है, और सारे ज्ञानों का माई बाप है, सारी कुंजियों की मास्टर कुंजी, सब ताले खुलते।
भगवान कहते हैं जो इस प्रकार का मुक्ति के दान का प्रसाद दूसरों को देता है उसके पुण्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो आप इस ज्ञान को पचाइए और अपने बच्चों में बच्चियों में बाल संस्कार केंद्र खोलकर ऐसे संस्कार डालिए कि आपके पड़ोस के बच्चे बच्चियां भी सुख दुख में लट्टू ना हो जाए, लवर लवरियों में लट्टू टट्टू ना हो जाए, सिनेमा के गुलाम ना हो जाए, माता पिता और सत शास्त्रों का आदर करने वाले हो जाए। एक बार ये मंत्र जप के आप राजस्थान वाले मुंबई जाओ, सूरत जाओ, देश परदेश जाओ, एक बार ये मंत्र बोल के फिर घर छोड़ो। रोज सुबह रक्षा करेगा ये मंत्र त्र्यंबकम् यजामहे, शिव जी की कृपा है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योमोक्षमामृतात्। बस इतना ही मंत्र है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में इसकी महिमा है, ये आपकी बड़ी रक्षा करे, अकाल मृत्यु को डालेगा, एक्सीडेंट और ये आतंक बातंग के मनसूबे नष्ट कर देगा। ये नेता लोग इतने बंदूक वालों को लेके घूमते, इसकी अपेक्षा ये एक मंत्र करके चले तो कितना अच्छा होगा। तो ये कैबिन क्यों बनाई कि ये डस्ट से गले की गले को तेरा हानि हो गई थी, कैंसर हो गया था, लेकिन अब नहीं है, चला गया। तुलसी के पत्ते खाते थे, पंचकर्म थोड़े कर लिए, कैंसर वैंसर गायब। साइटिका हो गई थी, किडनी खराब हो गई थी, लीवर खराब हो गया था, डॉक्टर तो बोलते थे अब गए, लेकिन हम अभी भी हैं, वो डॉक्टर चले गए होंगे, नहीं तो जाएंगे। विनोबा भावे बीमार पड़ गए थे, डॉक्टरों ने कहा आप 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते। विनोबा का भूमिपुत्र मैगजीन में पढ़ा गया कि जिन सज्जन डॉक्टरों ने कहा कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते, वो एक डॉक्टर 2 साल के बाद मरा, दूसरा डॉक्टर 6 साल के बाद मर गया, मैं तो अभी तक जिंदा हूं। तो जो एलोपैथी की दवाइयां करते हैं, खाते खिलाते, उनका गणित अपना है, लेकिन एलोपैथी रोग को दबाती है अंग्रेजी दवाएं, और काटा कुटी करके वो हिस्सा निकाल देती, लेकिन रोग बनाने का अशुद्ध आहार और अशुद्ध व्यवहार तो चालू रहता, फिर किडनी खराब हो जाती, पथरी निकाली दोबारा पथरी हो जाती, बायपास सर्जरी कराई मुख्यमंत्री राजस्थान के भूतपूर्व, फिर से बायपास सर्जरी, लेकिन अभी बड़े सयाने हो गए, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। सखावत अभी गौमूत्र पीते हैं, नाड़ी शुद्ध होती है, अब उनको बायपास सर्जरी कराने का कभी दिन नहीं आएगा। शास्त्रों में लिखा है कि 5 तोला गौमूत्र पीने को मिले और बदले में अशर्फी देनी पड़े तो दे डालो, आपके शरीर की शुद्धि करके आपको निरोग बनाता है। अब कहां गाय के पीछे लेके लोटा घूमोगे कि गाय कब सिटी मारे, ये कोड वर्ड है सिटी मारना, समझ गए ना आप लोग, सिटी मारते ना, उंगली दिखाते ना बच्चे क्लास में, सर बाथरूम में जाना, तो इसका नाम रख दिया सिटी मारना। तो अपन क्या करते हैं कि निवाई गौशाला में अपने वो गोझरण प्लांट लगाया, अब तो दूसरी जगह भी लगाए, तो गौ का जब गाय पेशाब करती है, देसी गाय होनी चाहिए, अंग्रेजी गाय तो सचमुच में गाय नहीं हो तो सुवरियां है, सुअर के बीज, गाय का बीज और दूसरी प्राणी के बीज से के इंजेक्शन से गाय बनी वो। हाँ, हम भारतीय तो गाय जैसी आवाज नहीं करती, सूरी जैसी मैं करती, ऐसा कुछ बोलती है, तो वो ये जर्सी गाय अथवा शंकर गाय नहीं, शुद्ध देसी गाय अपने निवाई गौशाला में जयपुर के पास, तो वहां वो प्लांट डाला है, गोझरण बनता है। तो 30 मिलीग्राम गोझरण साधक लेते हैं, 1 कटोरी पानी डालते हैं, पीते हैं, किडनी ठीक होने लगती है, पाचन तंत्र ठीक होने लगता है, और भी बहुत सारी बीमारियों में फायदा होता है।